आपने समझ लिया कि ये प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा इस प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। हुआ क्या है, चलिए शुरू करते हैं। समर स्लैब का मैच हमें ओपनिंग करते दिखाई देते हैं रॉ वुमेन चैंपियन प्रियंका ब्लेयर और बेकी लिंच के मैच के साथ, जो काफी खतरनाक मैच होता है, काफी डोमिनेटिंग वाला मैच होता है। इससे यह बात तो पता चल जाती है कि विंस मैकमैन जा चुके हैं और ट्रिपल एच जा चुके हैं WWE के पूरे कंट्रोल के साथ। काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल होता है दोनों के दोनों सुपरस्टार के इस मैच के अंदर। एंड में क्या होता है, प्रियंका ब्लेयर अपना फिनिशर मार देती है बेकी लिंच को और वहाँ विक्ट्री आती है प्रियंका ब्लेयर की। फिर हमें शॉकिंग चीज देखने को मिल जाती है, बैली का रिटर्न हो जाता है WWE के समर स्लैम के अंदर। रिकॉर्डाई भी आ जाता है और रियो शिराई भी आ जाती है उनके साथ। तीनों की तीनों रिंग साइड पे आ के खड़ी होती है प्रियंका ब्लेयर के सामने। प्रियंका ब्लेयर की साइड में सपोर्ट करने के लिए बेकी लिंच भी आके खड़ी हो जाती है। WWE फैंस काफी ज्यादा देख के शॉक और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे पांचों के पांचों फीमेल सुपरस्टार को एक ही रिंग में देखकर। आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है प्रियंका ब्लेयर के सामने और बेकी लिंच का सपोर्ट देना और साथ ही साथ बैली का रिटर्न करना समर स्लैम के अंदर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें देखने को मिलता है लोगन पॉल वर्सेज द मिज के बीच में, काफ़ी अच्छा मैच होता है। काफ़ी अच्छे तरीके से लोगन पॉल ऐसे लग रहा था कि एक प्रोफेशनल रेसलर की तरह रेसलिंग कर रहे थे WWE के अंदर। लोगन पॉल के लिए समस्या खड़ी हो गई थी कि वहां से चैंपा आ गए थे इंटरप्ट करने के लिए, रेफरी ने उन्हें रिंग साइड बैन कर दिया था। वो वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थे तो वहाँ AJ स्टाइल्स आ जाते और चैंपा को वहां से लेके चले जाते। काफी अच्छी तरीके से मैच दे रहे होते लोगन पॉल और द मिज के बीच में, काफी ज्यादा हाई फ्लाइंग मूव भी देख रहे थे, यहाँ तक कि एनालिसिस टेबल टूटा हुआ दिखाई देता है। एंड में क्या होता है, लोगन पॉल मिस का ही सबमिशन फिनिशर मिस को ही दे देते हैं। अल्फा सू फिनाले और विक्ट्री हो जाती है लोगन पॉल की। मैच देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बॉबी लेस्ली बना थेरी के बीच में। काफी अच्छा मैच होता है, काफी अच्छी डोमिनेशन दिखा रहे होते हैं बॉबी लेस्ली थेरी के ऊपर। हमें एंड में देखने को मिलता है थेरी भी अपना सबमिशन मूव डाल देते हैं बॉबी लेस्ली और विक्ट्री हो जाती है बॉबी लेस्ली की। लेकिन एक चीज अभी बाकी थी शो के मेन इवेंट के अंदर थेरी का MITV ब्रीफकेस के साथ, वो हम आगे बताएंगे आप लोगों को। हमें देखने को मिला जजमेंट डे वर्सेज रेमस स्टूडियो और डोमिनिक स्टूडियो के बीच में, काफी अच्छी तरह डोमिनेशन दिखा रहे होते। फिर एंड में क्या होता है, वहां एंट्री हो जाती है द रेडेड आर सुपरस्टार एच की। एक तगड़ा वाला स्पेयर आता है एच की तरफ से दोनों के दोनों सुपरस्टार के ऊपर, 619 के पोजिशन पे डाल देते हैं एच अपने स्पेयर मारने से। वहां 619 मारते ही रेमस स्टूडियो की विक्ट्री हो जाती है। फाइनली एच ने अपना रिटर्न कर लिया है समर स्लैम के अंदर। आप लोग की तरह खुश होगा एच का रिटर्न लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखने को मिलता है पैड मेगा पे वर्सेस द हैप्पी कॉर्बिन के बीच में, काफी अच्छा मैच होता है, काफी हाई फ्लाई मूव भी देखने को मिलता है इस मैच के अंदर। लेकिन पैड मेगा पे हैप्पी कॉर्बिन के ही मूव हैप्पी कॉर्बिन के ऊपर लगा देते हैं और एंड में क्या होता है पैड मेगा पे की वहाँ विक्ट्री हो जाती है। हमें देखने को मिलता है वो भी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के अगेंस्ट दी उसो बना स्ट्रीट प्रॉफिट के अंदर। लेकिन इसमें एक स्पेशल गेस्ट रेफरी थे जेफ जेरेड, वो भी आए हुए थे रिंग के अंदर। मैच शुरू होता है, काफी अच्छे मूव्स देखने को मिलते, काफी ज्यादा हाई फ्लाइंग मूव भी हमें देखने को मिलते मैच के अंदर। दोनों के दोनों सुपरस्टार एक दूसरे पे काफी अच्छी तरीके टैग टीम की तरह अटैक करे जा रहे थे। एंड में क्या होता है, दी उसो अपना फिनिशर मार देते उधर और टाइटल रिटेन करने में कामयाब हो जाते हैं। देखने को मिलते समर स्लैम के अंदर अचानक वहाँ रिडल आ जाते हैं और वो बात करते दिखाई देते, तो वहां से सेथ रॉलिंस भाग के हुए आते और ठोक पीट के चले जाते रिडल को। शॉकिंग तरीके से रिडल भी आ जाते और उन पे अटैक भी करता दिखाई दे देते सेथ रॉलिंस वहां आकर। काफी ज्यादा शॉकिंग चीज थी ये देखने के लिए समर स्लैम के इतने बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। देखने को मिलता है लिव मॉर्गन वर्सेज द रोंडा राउजी के बीच में, काफी अलग तरीके का मैच होता है ये देखने को मिलता है हमें WWE के रिंग के अंदर। ना तो WWE लिव मॉर्गन को हरा सकती थी ना रोंडा राउजी को हरा सकती थी, लेकिन WWE ने फिर बीच का रास्ता निकाल दिया। जब WWE सुपरस्टार रोंडा राउजी अपना आम बाल लगा रही थी लिव मॉर्गन के ऊपर, तो लिव मॉर्गन वहाँ ऊंचाई पे ले चली गई थी रोंडा राउजी को, वहाँ कवर कर दी थी 1-2-3 हो गया। लेकिन बाद में पता चलता है कि वहाँ टैप आउट की भी कर दी है लिव मॉर्गन ने। तरीके कंफ्यूजन पैदा हो गई थी WWE के रिंग में जब रिप्ले में देखा गया, पहले हो चुका था 1-2-3, बाद में लिव मॉर्गन ने टैप आउट किया था, तो विक्ट्री तो वहाँ लिव मॉर्गन की हो गई किसी ना किसी कंफ्यूजन की वजह से। तो वहाँ गुस्से में आ दिए रोंडा राउजी तो रेफरी के ऊपर ही आमबाल लगा देती है। एक तरीके का शॉकिंग एंडिंग देखने को मिला इस मैच के अंदर। आ रहा थे समर स्लैम के रिंग के अंदर तो निहाद अली रैंप साइड पे खड़े थे और पूरी तरीके से सेलिब्रेशन करते दिखाई देते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जाने वाले कैसे था कैसल में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। वो यही दिखाने के लिए आए थे समर स्लैम के प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। मेन इवेंट होता है वो भी
लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, वो भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रोमन रेंज रिंग के अंदर आ रहे थे और ब्रॉक लेसनर एक अलग तरीके की एंट्री लेते दिखाई देते WWE के रिंग के अंदर, अपने ट्रैक्टर के साथ आ रहे थे ब्रॉक लेसनर, एंट्री भी काफ़ी अलग तरीके से मारते, अपने ऑडियंस भी देख के काफ़ी ज़्यादा खुश आ रहा थी ब्रॉक लेसनर की एंट्री देख के, और इंट्रोड्यूस भी अपने आप को खुद ही करते ब्रॉक लेसनर। उसके बाद सीधा ऊपर से कुत्ते और रोमन रेंज पर अटैक करना शुरू कर देते ब्रॉक लेसनर, शुरुआत में ही हावी होने की सोचते हैं रोमन रेंज के ऊपर और हावी हो भी जाते, पूरी तरीके डिस्ट्रॉय करते दिखाई देते रोमन रेंज को, नहीं रोमन रेंज बीच बीच में पलटवार करते दिखाई देते, लेकिन ब्रॉक लेसनर के सामने रोमन रेंज कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते होते, तो रोमन रेंज को वो F5 भी देते दिखाई देते, रोमन रेंज भी अपना स्पेयर मारते दिखाई देते ब्रॉक लेसनर के ऊपर, तो रोमन रेंज को ट्रॉली जैसे पे लेके चले आते और रिंग साइड के ऊपर फेंक देते जाके रिंग के अंदर ब्रॉक लेसनर, और फिर एक बहुत अलग तरीके का शॉकिंग मूवमेंट देखने को मिलता है रिंग के अंदर। आज तक तो हमने WWE में ये चीज़ देखी, या तो रिंग टूट जाती है या रिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने तो रिंग को ही एक तरफ से पूरा का पूरा उखाड़ के रख दिया है। सब तो WWE फैंस देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और काफ़ी खतरनाक तरीके से मैच हुआ, और रोमन रेंज तो ऐसे गिरते चले आ रहे थे जैसे कि ब्रॉक लेसनर ने उन्हें बहुत बुरी तरह से बाहर फेंक दिया था उठा के रिंग साइड के ट्रैक्टर के ट्रॉली के वजह से। इसके बाद हमें अचानक देखने को मिलता है रोमन रेंज को जो डिस्ट्रॉय कर रहे होते तो वहाँ पॉल हेमन आ जाते रोमन रेंज को बचाने के लिए, वो दोनों टाइटल पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को बोलते ले ले, रोमन रेंज को छोड़ दे, तो पॉल हेमन को उठा लेते ब्रॉक लेसनर, F5 दे देती है अनाउंसर्स टेबल के ऊपर। इसका उसो भाई भी आते रोमन रेंज को बचाने के लिए, ब्रॉक लेसनर पे अटैक करते दिखाई देते, ब्रॉक लेसनर उन्हें भी दूर फेंक देते उठा के, फिर उसका थियरी आके अटैक करते दिखाई देते, कैश इन करने की सोचते उस मैच के अंदर, लेकिन थियरी को भी ब्रॉक लेसनर बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय करके रख देते उस मैच के अंदर। उसके बाद तो ब्लड लाइन एक साथ मिलकर अटैक कर रही होती है ब्रॉक लेसनर के ऊपर, एंड में हमें क्या देखने को मिलता है ब्रॉक लेसनर एक टाइम पे पूरे हावी हो जाती है ब्लड लाइन ब्रॉक लेसनर के ऊपर, तो वहाँ थोड़े ब्रॉक लेसनर कमजोर दिखाई देने लग जाते, तो रोमन रेंज तगड़ा वाला स्पेयर मारते, दो तीन स्पेयर मारते, और जितनी भी चीज़ें होती है वहाँ अनाउंसर्स टेबल स्टील चेयर हो या कोई भी चीज़ हो वो सब ब्रॉक लेसनर के ऊपर डाल देते उठाकर, और रेफरी काउंट कर देते 10 काउंट हो जाता है, वो विक्ट्री हो जाती है रोमन रेंज की, और स्टिल हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है रोमन रेंज WWE के अंदर। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कितना ज़्यादा मजा आया समर स्लैम का प्रीमियम लाइव इवेंट देखने में ये भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सी यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।